वेलकम टू ऑल, माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी पार्ट थर्ड है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो फिजिकल फैक्टर टेम्परेचर के बारे में कि ये टेम्परेचर क्यों इम्पोर्टेंट है और इस टेम्परेचर से लिविंग ऑर्गेनाइज्म में क्या अफेक्ट हो रहे हैं या टेम्परेचर उनके लाइफ को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, हम करेंगे यहाँ पर। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वेदर किसे कहते हैं। इसके वेदर को हम कहते हैं कि जो वेदर है एक कॉम्बिनेशन है, किसका? टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन है, ह्यूमिडिटी का, प्रेसिपिटेशन का, यानी हम रेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रेसिपिटेशन, विंड, और क्लाउडीनेस का मतलब होता है क्लाउड फॉर्मेशन का। तो और कुछ डिफरेंट एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस होते हैं ये सभी मिलाकर क्या है, वेदर का फॉर्मेशन करता है। और ये जो वेदर होता है एक स्पेसिफिक प्लेस और टाइम में प्रेजेंट होता है, ये हमारा वेदर। अब किसी भी जो हमारा जो एरिया है, मान लीजिए वो लोकल एरिया है या रीजनल एरिया है या ग्लोबल एरिया है, लॉन्ग टर्म तक एक एवरेज पैटर्न रहे वहाँ पे, उस पर्टिकुलर रीजन पे, उस लॉन्ग टर्म जो एवरेज पैटर्न रहता है वेदर का, इसी को हम कहते हैं क्लाइमेट। तो अब यहाँ हमें पता चल गया है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्लाइमेट को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अब जो क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं, तो ये तकरीबन जो 100 ईयर से जो क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं ये ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से चेंजेस आ रहे हैं। और जो ग्लोबल जो एवरेज जो अर्थ का जो यानी टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो तकरीबन 0.6 से 0.2 के आसपास हो रहा है लास्ट सेंचुरी से। और ये भी क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं, ये जो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो टेम्परेचर होता है उसे कैसे होता है कि हमारे जो अर्थ में ये टेम्परेचर मेंटेन होता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टेम्परेचर को डिफाइन कर लेते हैं कि ये टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर क्या होता है कि ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो हॉटनेस और कोल्डनेस होता है उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। अब जो ये टेम्परेचर होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर होता है और यूनिवर्सली ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। और ये एक लिमिटिंग फैक्टर है किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट के लिए। और जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं ऑर्गेनिजम्स में यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो सभी कंट्रोल्ड होते हैं टेम्परेचर से। चाहे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो डॉर्मेंट स्टेट पे ही क्यों ना हो, डॉर्मेंट यानी इनएक्टिव स्टेट पे ही क्यों ना हो, इनएक्टिव स्टेट पे ही क्यों ना हो, तब भी क्या है, टेम्परेचर उनका जो केमिकल प्रोसेसेस होता है उसको कंट्रोल करता है। अब हम समझते हैं कि जो ये टेम्परेचर होता है अर्थ पे, किस तरीके से ये टेम्परेचर अर्थ में ये मेंटेन होता है। सपोज हम ये मान लेते हैं कि जो सन है वो प्रोड्यूस करता है 100 यूनिट ऑफ रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है। अब हम ये समझते हैं कि ये 100 यूनिट का क्या होता है, इस रेडिएशन का अर्थ पे क्या होता है। नंबर फर्स्ट क्या होता है कि जो हमारे क्लाउड और जो एटमॉस्फेयर होता है ये क्या करता है, 26 यूनिट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है और स्कैटर्ड कर देता है। इसके बाद क्या होता है, जो अर्थ का जो सरफेस होता है, हमारे अर्थ का सरफेस, वो 4 यूनिट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद जो हमारा क्लाउड और जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, 19 यूनिट्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो 26 जो कि हमारा क्लाउड और एटमॉस्फेयर ने क्या कर दिया है, रिफ्लेक्ट और स्कैटर्ड कर दिया है, 4 यूनिट हमारा जो अर्थ सरफेस रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, और बाकी और 19 जो यूनिट है हमारा क्लाउड और जो एटमॉस्फेयर जिसको एब्जॉर्ब कर देता है, अगर हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल क्या हो जाता है हमारा 49। तो यानी हमारा 100 यूनिट में से 49 क्या हो गया, यूज हो गया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग बचे हुए यूनिट है वो 51 यूनिट है। अब ये जो 51 यूनिट है इनमें से क्या होता है कि जो 23 जो यूनिट होते हैं वो जो अर्थ के सरफेस पे वाटर्स होते हैं उसको एवापोरेट करने के लिए यूज़ होता है। यानी 23 यूनिट्स क्या होते हैं, अर्थ के सरफेस पे जितने भी वाटर्स बॉडीज होते हैं उसके वाटर को एवापोरेट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जो 7 यूनिट होता है, ये 7 यूनिट क्या होता है, अर्थ का जो एयर होता है, यानी अर्थ के सरफेस के पास जो सबसे लोअर रीजन का एयर होता है उसको वार्म करने में यूज हो जाता है। तो वार्म करने में यूज हो जाता है 7 यूनिट। इसके बाद जो हमारा अर्थ में जो लैंड मासेस होते हैं जो और जो ओशंस होते हैं वो क्या होता है, जो ये 21 जो यूनिट होता है इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ से ये जो 21 यूनिट्स है, यही 21 यूनिट्स क्या होता है, वापस का जो अर्थ का जो लैंड मासेस है और जो ओशन है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट्स टू वर्ड्स किसकी तरफ, या एनवायरमेंट की तरफ, एनवायरमेंट की तरफ और एटमॉस्फेयर की तरफ। स्फीयर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। अब होता क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, ये इस एटमॉस्फेयर पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है कि सबसे पहले हमारा प्रेजेंट होता है वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर के प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर होते हैं, जो अर्थ ने 21 जो यूनिट क्या है एब्जॉर्ब कर रखा था लैंड मासेस और ओशन ने, उसको रिफ्लेक्ट करके क्या करता है एटमॉस्फेयर की तरफ ये भेजता है। एटमॉस्फेयर पे वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, इसको क्या कर लेता है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, कुछ जो इसमें से एनर्जी या रेडिएशन होता है इसको वापस क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। किसकी तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं टूवर्ड्स अर्थ की तरफ, अर्थ सरफेस की तरफ ये रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे क्या होता है, इस प्रोसेस से क्या होता है, हमारे अर्थ में जो टेम्परेचर होता है, अर्थ सरफेस पे जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वो मेंटेन होता है इस प्रोसेस से। तो अब मान लीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि जो हमारा वाटर वेपर है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट है, तो वो जो अर्थ के सरफेस से 21 यूनिट जो एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है उसको क्या करता है कि एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको क्या करता है वापस क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट करता है या तो रेडिएट बैक टूवर्ड्स द अर्थ भेज देता है। इस प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, और यही ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, क्रूशियल होता है मेंटेन करने के लिए प्लेनेट के जो सरफेस का टेम्परेचर होता है। अगर मान लीजिए कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये जो वाटर वेपर है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है अगर वो इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है, अर्थ टेम्परेचर यानी सरफेस का टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होता है, उससे हमारा जो ग्लेशियल्स जो बॉडीज हैं, ग्लेशियल्स है वो क्या हो जाएंगे, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं हम इसी को। अब हम इसको पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं कि जो सन से हमारा जो ये सन है, इस सन से जो 100 यूनिट जो रेडिएशन था वो किस तरीके से अर्थ पे पहुंचता है, उनमें से कितने जो यूनिट जो रेडिएशन है उनका क्या होता है, कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, कहाँ स्कैटर्ड होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप पे हमने देखा कि जो सन से क्या हो गया कि जो सोलर रेडिएशन आया है वो 100 यूनिट है। इस 100 यूनिट से क्या हो गया कि हमारा जो 30 यूनिट है, ये 30 यूनिट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट और स्कैटर्ड हो गया है क्लाउड और एटमॉस्फेयर से, और हमारा जो अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का सरफेस ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। अब अर्थ के सरफेस ने कितना रिफ्लेक्ट किया था, ये 4 यूनिट जो हमने यहाँ देखा, ये 4 यूनिट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे अर्थ के सरफेस ने क्या कर दिया, 4 यूनिट हमारा रिफ्लेक्ट किया है यहाँ पे। और जो हमने देखा है कि जो 19 यूनिट है, यहाँ पे हमारा 19 यूनिट है, ये देखिएगा, ये 19 जो यूनिट है ये एब्जॉर्ब किया है किसने, क्लाउड और एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया है। अगर हम टोटलिंग करना स्टार्ट करें, 30 और 19 को टोटल करेंगे तो तकरीबन ये आ जाता है, टोटल हो जाता है, टोटल हो गया 49। अब हमारा जो रिमेनिंग बचा है वो 51 यूनिट ऑफ सोलर रेडिएशन बचा। इसमें से क्या हो जाता है कि 23 जो यूनिट है ये वाटर जो है, अर्थ के सरफेस जो वाटर है, बॉडीज है, उसके वाटर को इवापोरेशन के लिए यूज हो जाता है। और क्या करता है कि जो 7 यूनिट है वो क्या कर देता है कि ये वापस क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है अर्थ। तो यहाँ टोटल यानी रिफ्लेक्ट करता है, कहने का मतलब जो ये 7 यूनिट है ये अर्थ के जो सरफेस के पास, अर्थ सरफेस के पास जो एयर होता है, एयर जो नियर होता है, एयर, उस एयर को क्या करता है, वार्म करने के लिए यूज हो जाता है 7 यूनिट। तो टोटल हमारा क्या हो गया, 30 यूनिट हमारा क्या हो गया, यूज हो गया। इसके बाद जो 30, अगर हम इसको 30 है यानी अगर हम देखें कि 51 माइनस हमारा जो 30 है, अब अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारा बच जाता है, 21 यूनिट। अब हम देखते हैं कि जो ये 21 जो यूनिट होता है, अर्थ का सरफेस ये 21 यूनिट क्या करता है कि 21 यूनिट रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 21 यूनिट रिफ्लेक्ट कर देता है। बट हमने यहाँ देखा है कि जो क्या करते हैं कि यूनिट जो रिफ्लेक्ट करता है 21, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 117 लिखा हुआ है। ये 117 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अर्थ के जो लैंड मासेस होते हैं या जो ओशंस होते हैं, ये भी अपना भी क्या होता है, रेडिएशन या एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। वो एनर्जी भी क्या होता है कि ये वो एटमॉस्फेयर की तरफ क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर लेता है। तो इसीलिए ये जो क्या हुआ तकरीबन वो होता है 96, तो 96 होता है वो। तो यानी 96 प्लस 21 तो तकरीबन 117 होता है। 117 में से क्या होता है कि आप यहाँ देखते हैं कि जो हमारा जो ग्रीन हाउस जो क्या कहते हैं कि गैसेस होते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तकरीबन 111 जो यूनिट होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन कौन से गैसेस होते हैं, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो वेपर होते हैं, वेपर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद उसमें से क्या हो जाता है, जो 6 यूनिट है 107 में से, 17 में से ये 6 यूनिट क्या होता है, स्पेस में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, स्पेस पे चला जाता है। अब यहाँ से जो हमारा 111 में से तकरीबन 96 जो क्या कहते हैं यूनिट है वो वापस अर्थ में रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, रेडिएट टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन हो जाता है। अगर किसी भी वजह से क्या हो जाए, ग्रीन हाउस गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर इंक्रीज हो जाए, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को क्या करेगा, अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट कर यानी रेडिएट बैक करेगा, वापस भेज देगा, जिससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो टेम्परेचर के बेस पे, जो टेम्परेचर टॉलरेंस के बेस पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको किस तरीके से हम क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं या डिवाइड करते हैं, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। मेनली जो एनिमल्स के 2 टाइप्स होते हैं, होम्योथर्मस या होम्योथर्मिक हम बोल देते हैं। ये वो एनिमल होते हैं जो क्या कहते हैं कि वो मेंटेन कर सकते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को, इसलिए क्या होता है इंटरनल टेम्परेचर को। और ये मेंटेन किससे करता है, बहुत ही ज़्यादा जो हीट हो या कोल्ड से अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। वहीं पे पोइकिलोथर्मिक वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को यानी इंटरनल जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं फ्रॉम हीट एंड कोल्ड से। इसी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं इस थर्मल एक्सट्रीम से बचने के लिए, बहुत टू मच कोल्ड एंड टू मच हीट से बचने के लिए वो क्या करते हैं, एडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को, जिसको हम कहते हैं हाइबरनेशन और एस्टिवेशन हम कहते हैं। जो पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स होते हैं, विंटर जो सीज़न होता है उस टाइम पे ये अपने आप को हाइड कर लेते हैं, इसी को हम हाइबरनेशन बोल देते हैं। जब हाइबरनेशन हो रहा होता है तो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये रिड्यूस हो जाता है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, फ्रॉग, लिजर्ड, फिश और इंसेक्ट में हम देखते हैं। वहीं पे एस्टिवेशन यानी जब समर का टाइम हो रहा होता है, टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, जिसकी वजह से जो फूड की जो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत शॉर्ट होती है और वाटर की अवेलेबिलिटी भी शॉर्ट होती है, की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, इनएक्टिव कर लेते हैं। इस कंडीशन को एस्टिवेशन बोलते हैं और डॉर्मेंट स्टेट भी हम बोल देते हैं। मेनली जब ये इंसेक्ट पे पाया जाता है ये डॉर्मेंट स्टेट, इसको डायपोज हम कह देते हैं। वहीं पे जो कुछ सर्टेन मैमल्स होते हैं वो भी हाइबरनेशन और एस्टिवेशन को दिखाते हैं। अब हाइबरनेशन में जो आर्टिक जो ग्राउंड स्क्वेरल्स होते हैं, तो विंटर के टाइम पे क्या होता है, ग्राउंड जो होते हैं, ग्राउंड वो फ्रोजन हो जाते हैं, फ्रोजन हो जाते हैं। तो फ्रोजन जब हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो ये स्क्वेरल है वो अब क्या है, ग्राउंड के नीचे जो होल्स होते हैं उस होल्स के अंदर हाइबरनेट कर लेते हैं अपने आप को। वहीं पे जो ग्राउंड स्क्वेरल है कैलिफोर्निया का, जब टू मच हीट होता है तो सेम ये क्या कर लेते हैं कि ग्राउंड के नीचे जो होल्स होते हैं वहाँ जाकर अपने आप को क्या कर लेते हैं, रिलैक्स करते हैं और अपने आप को इनएक्टिव कर लेते हैं, जिसको हम एस्टिवेशन हम कह देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो थर्मल माइग्रेशन किसे कहते हैं, यानी टेम्परेचर की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म माइग्रेशन करते हैं उसे हम थर्मल माइग्रेशन कहते हैं। अब ये एक दूसरा मेथड है कि जो बहुत टू मच हाई टेम्परेचर, टू मच लो टेम्परेचर से बचने के लिए क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, या और ये टेम्परेचर की वजह से होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, थर्मल माइग्रेशन कह देते हैं। अब इसी का अगर हम एग्जाम्पल देखें, जो एम्फीबियंस होते हैं वो क्या करते हैं, शॉर्ट जर्नी करते हैं, माइग्रेट करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस में, और एक सेड प्लेस पे चले जाते हैं। जब क्या होता है, विंटर क्या हो जाता है, सॉरी, जब वेदर टू मच हॉट हो जाता है। वहीं पे हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जैसे बियर, डियर और अदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो माउंटेन से क्या होते हैं, नीचे की तरफ डाउन यानी वैली में आ जाते हैं। वैली में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि माउंटेन में उस टाइम पे बहुत टू मच कोल्ड हो रहा होता है, उससे बचने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में कैसे होता है। तो देखिए कि हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके लिए जो ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस के लिए वो डिफरेंट होता है। अब वहीं पे अगर हम देखें जो एग्स होते हैं और जो लार्वाज होते हैं टेरेस्ट्रियल स्पीसीज के लिए उनको बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, वहीं पे एडल्ट को कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जो टेम्परेचर क्या होता है ये इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ को। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें अगर एडल्ट ट्राउट की हम बात करें, वो क्या करता है फीडिंग को स्टॉप कर लेता है जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं हो पाता है जब तक वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री से ऊपर ना चला जाए, यानी 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है वो क्या करता रहता है फीड कर स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। बट जैसे ही टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज करता है 13 डिग्री से और 16 डिग्री सेल्सियस तक जो ट्राउट होते हैं वो फूड को क्या करना स्टार्ट करते हैं, फीड करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। वहीं पे एक और अगर हम एग्जांपल देखें कि जो डेफनिया है जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है, तो ये जो डेफनिया है इसका जो रिप्रोडक्शन है बहुत ही हाई होता है 23 डिग्री सेल्सियस पे। वहीं पे अगर वाटर का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस हो, वहीं पे रिप्रोडक्शन क्या हो जाता है स्लो हो जाता है 18 डिग्री सेल्सियस पे। रिप्रोडक्शन स्लो से मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी लो हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो टेम्परेचर है उसका जो इफेक्ट होता है सेक्स रेशियो पे कैसे पड़ता है। हमें पता है कि जो टेम्परेचर होता है वो अपने सराउंडिंग्स यानी इन्वायरमेंट को क्या करता है इन्फ्लुएंस करता है, और इन्फ्लुएंस करने की वजह से क्या होता है इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस होता है तो जो लाइफ साइकिल और डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे कि जो लिजर्ड, क्रोकोडाइल और अदर जो रेप्टाइल्स होते हैं वो जब हैच करते हैं एग्स को तो उनका जो सेक्स ऑफ द जो बेबीज होता है वो डिटरमाइंड किसके थ्रू होता है, टेम्परेचर के थ्रू होता है। वहीं पे एक एग्जांपल है मोएना करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो क्रस्टेशियन से आता है। तो क्रस्टेशियन में जब जो टेम्परेचर होता है 14 डिग्री सेल्सियस से बिलो चला जाता है और या तो अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से अबव हो जाता है तो क्या होता है कि पॉपुलेशन में मेल ज़्यादा डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं पे अगर टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस हो तो पॉपुलेशन में क्या होते हैं फीमेल्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो सेक्स रेशियो को क्या करता है अफेक्ट करता है। आज हमने डिस्कस किया कि फिजिकल फैक्टर टेम्परेचर को। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।